नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने 5 मिनट स्पीच दी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पीएम ने कहा, भारत की संसदीय यात्रा का यह स्वर्णिम पल है। इस पल के हकदार सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दलों के नेता इसके हकदार हैं। आज राज्यसभा में यह बिल आखिरी पड़ाव पूरा कर लेगा। इस पवित्र कार्य में आप सभी के योगदान और सार्थक चर्चा का मैं आज सच्चे दिल से अभिनंदन करता हूँ। उधर स्पीकर ओम बिरला ने चंद्रयान 3 की कामयाबी का जिक्र किया। चंद्रयान 3 पर सभी सांसद अपने विचार रखेंगे। उधर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। उन्होंने कहा, भारत को विकसित बनाने में यह महत्वपूर्ण कदम है। यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा में पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट इसके खिलाफ पड़े। पर्ची के जरिए हुई वोटिंग में AIMIM पार्टी के 2 सांसदों असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने विरोध में वोट डाले। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।